तारीख पहुंच चुके हैं नोएडा के कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, और वहीं उसी हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें, ये टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार दर्शकों को तक ये पहुंचा रहा है, जहां पर आज देखिए समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पहले इस वक्त कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। देखिए यहाँ पर 100 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात रहने वाले हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर 400 बेड की सुविधाएं हैं, L1, L2, L3 इन तीनों ही तरीके की सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल है, और नोएडा का अभी तक का सबसे बड़ा देखिए कोविड हॉस्पिटल ये। और यहाँ पर अब हर तरीके की जो पेशेंट है, चाहे गंभीर हो चाहे हल्के लक्षण वाले हों कोरोना के, उन सभी को यहाँ पर पर्याप्त इलाज मिल पाएगा, उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और आज इसका उद्घाटन करेंगे, और आज से देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको भर्ती करा जाना भी शुरू हो जाएगा लगभग। फिलहाल अभी तस्वीरें आपको उसी हॉस्पिटल की बाहर की हम अब दिखा रहे हैं, जहां पर अभी अंदर हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज इसका उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब देखिए तस्वीरों में आपको सीएम नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर आज क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है, हर एक चीज को बारीकी से देखेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले देखिए सीएम आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, वो तस्वीरें सीधी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया है, और उद्घाटन के साथ साथ यहां पर अब कोरोना पेशेंट के लिए सुविधाएं भी जो हैं वो और भी ज्यादा दुरुस्त हो जाएंगी, लोगों को यहां पर इलाज मिल पाएगा और हर एक को वहां पर पर्याप्त सुविधाएं मिल पाए इस हॉस्पिटल की, इसको लेकर समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ खास है उसको भी देखेंगे, और कैसी तैयारियां अभी यहां पर फिलहाल हैं इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर स्टाफ से बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां पर तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं नोएडा की, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां पर सीएम कर रहे हैं इस कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण, और इसी के साथ आज उद्घाटन करते ये सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में क्या। तो लोगों की सुविधाओं को देखते हुए और जिस तरीके से पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे थे, बेड की कमी थी, हॉस्पिटल्स की कहा जा रहा था कमी, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और इन्हीं सारी कमियों को देखते हुए सीएम ने नोएडा में फिलहाल देखिए सबसे बड़े वहां के हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल का कर दिया है उद्घाटन। हालांकि देखिए आसपास जो अधिकारी उनके उनसे बातचीत भी करते हुए सीएम, और एक एक चीज को लेकर देखिए उनसे पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो बेड की संख्या है वो देखिए 420 है, 420 बेडों की सुविधाओं से लेस ये नोएडा का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, जहां पर देखिए L1, L2, L3 इन तीनों सुविधाओं से लेस बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि अब आप चाहे गंभीर रूप से बीमार हो कोरोना से, या फिर आप में हल्के लक्षण हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको हर एक लक्षण के दौरान ही वहां पर इलाज मिल पाएगा, चाहे आप सीरियस हो, चाहे आपके अंदर एक भी लक्षण हो, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ही इसमें L1, L2, L3 का पूरा खाका तैयार किया गया है। फिलहाल देखिए 100 स्वास्थ्य कर्मी और 420 बेड यहां पर, इसी के साथ हर एक पेशेंट के लिए यहां पर तैयारी पूरी है, खाने पीने से लेकर, उनके ध्यान रखने से लेकर, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या से लेकर, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, साफ सफाई से लेकर हर एक चीज को दुरुस्त किया गया है इस हॉस्पिटल में। दानिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन इस हॉस्पिटल की खूबी हम आपसे पूछ रहे थे, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए अभी तक जितने भी नोएडा में अस्पताल थे कोविड-19 के, वो अस्पताल बनाए गए थे, न कि पहले से बने बनाए थे। ये जो नोएडा कोविड चिकित्सालय अब बनाया गया है, तो ये एक नई बिल्डिंग है जो 8 मंजिला इमारत बनाई गई, तो इसके जो 2 फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से कोविड-19 के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, और दोनों फ्लोर पे तकरीबन 406 बेड यहाँ पर रहेंगे, जो सिर्फ कोरोना से जो मरीज आते हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जाएगा। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो L3 कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी किसी भी हालत का कोई भी पेशेंट हो उसका इलाज यहाँ पर हो सकता है, वो रेफर कहीं नहीं किया जा सकता। यानी ये कह सकते हैं कि जो अब तक देखा गया कि जो सीरियस और गंभीर हालत के मरीज होते हैं उनको रेफर किया जाता था, अब वो स्थिति इस हॉस्पिटल में नहीं होगी। ये टाटा के जो टफ ट्रेवल है उनके, उन्होंने सहयोग किया है सरकार का, और उनके ही सहयोग से ये पूरा अस्पताल यहाँ पर तैयार किया गया है। ये बिल्डिंग जिला अस्पताल के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल शुरू हुआ ये बिल्डिंग बन चुकी थी, तो ऐसे में इस बिल्डिंग का
पूरी तरीके से उपयोग सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए किया है, और अब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर चुके हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तैनात रहेंगे, डॉक्टर्स तैनात रहेंगे। अभी जो अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, जिम्स में इलाज चल रहा है, कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं, कहीं 50 बेड कहीं 40 बेड इस तरीके से अधिग्रहित कर लिए थे जिला प्रशासन ने, लेकिन अब सरकार के पास, यानी ये हम कहें कि नोएडा जिला प्रशासन के पास भी अपना खुद का कोविड अस्पताल है। अब उनको प्राइवेट अस्पताल, यानी जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकता कोविड का, तो वो यहाँ पर एडमिट होकर यहाँ पर अपना सही से इलाज करा सकता है। गरीब तबका जो होता है वो भी यहाँ पर इलाज करा सकता है, मीडियम क्लास आदमी जो प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं कर पाते वो यहाँ इलाज करा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अच्छी उपलब्धि जिला प्रशासन की है, और जिस तरीके सीएसआर के माध्यम से ये अस्पताल खोला गया है तो प्रदेश में एक अपने आप में एक पहला अस्पताल होगा जो सिर्फ और सिर्फ कोविड के मरीजों का इलाज करेगा, और हाईटेक तरीके से यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, आईसीयू भी यहाँ पर बनाया गया है, पूरी तरीके से सुसज्जित है कोविड मरीजों के लिए। जी बिल्कुल दानिश, और देखिए हम ये तस्वीरें हम सीधे दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर अब उद्घाटन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं क्या तैयारी है, किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को सुविधाएं दी जाएगी, क्या कुछ ख्याल रखने के लिए उनकी जरूरी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल दानिश एक चीज ये बताइए, L1 L2 L3 तीनों कैटेगरी है, यहाँ पर हर एक कैटेगरी में कितने कितने बेड आवंटित? देखिए अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर कितनी किस कैटेगरी में कितने बेड आवंटित किए गए हैं, क्योंकि अभी ये सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे, यानी दो फ्लोरों पे पूरे 406 बेड लगाए गए हैं। ये कहा गया हमसे, जो डीएम से बात की उनका कहना है कि कैटेगरी हम उस वक्त डिसाइड करेंगे जब मरीजों का भर्ती होना शुरू हो जाएगा, और हम ये देखेंगे कि आखिर किस टाइप के मरीज, यानी किस लेवल के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो कोविड हॉस्पिटल बने हैं चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, तो ज्यादातर L1 लेवल के ही L1 कैटेगरी के अस्पताल बने होते हैं, वहां पर आईसीयू की जो है सुविधा नहीं होती है, ऑक्सीजन की कम सुविधा होती है, लिहाजा इस लिहाज से ये जो तीनों कैटेगरी के यहाँ पर जो है L1 L2 L3 के जो बेड लगाए गए हैं, तो इन कैटेगरियों में जब मरीज यहाँ पर आना शुरू होंगे तो जो सबसे ज्यादा मरीज आ रहे होंगे चाहे वो सीरियस कंडीशन में हो या नॉर्मल कंडीशन में, उसी हिसाब से उसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि आखिर किस कैटेगरी के सबसे ज्यादा बेड रखे जाने, क्योंकि अभी तक यथार्थ, कैलाश, जिम्स इन अस्पतालों में इलाज हो रहा था, दो जिसमें प्राइवेट अस्पताल है, तीन प्राइवेट अस्पताल है और एक सरकारी जिम्स सरकारी अस्पताल है, तो वहां पर भी अभी भी जो कैटेगरी है वो ज्यादातर जो है L1 और L2 है, L3 कैटेगरी बहुत रेयर टू रेयर यहाँ पर थी, लेकिन अब नोएडा का जो ये कोविड अस्पताल जिसका उद्घाटन अभी अभी मुख्यमंत्री ने किया है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर अगर कोई भी सीरियस गंभीर मरीज एडमिट होता है तो उसको पूरी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, और ये कह सकते हैं कि हाँ, जो कई बार ऐसा देखा गया कि इलाज की वजह न समय से इलाज न मिलने की वजह से मौत हो जाती है मरीज की, तो ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं कि हाँ उन सब चीजों को अगर मिलाया जाए तो उसको एक अच्छा और बेहतर इलाज यहाँ पर मिलेगा जिससे जान बचाई जा सकती है कोविड-19 के पेशेंट। बिल्कुल दानिश, और देखिए वेंटिलेटर की भी सुविधा है, आईसीयू की भी सुविधा है, और L3 वाले पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। वेंटिलेटर्स की कितनी संख्या होगी यहाँ पर लगभग दानिश? देखिए अभी जो हमारी बात हुई थी उनका कहना है कि अभी यहाँ पे तकरीबन 76 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए हैं और भी वेंटिलेटर यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी ने सीएसआर माध्यम से सहयोग किया था जिला प्रशासन का, और उसके बाद ये तैयारियां शुरू हुई, लेकिन चूंकि गंभीर मरीजों का जो इलाज था वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसका जो है उद्घाटन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ये बन के भी तैयार हो चुका है, संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है, ऐसे में जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होना और यहाँ पर मरीजों को एडमिट करना ये प्राथमिकता थी, लिहाजा इसको शुरू कर दिया। 76 वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आज आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर और भी यहाँ पर वेंटिलेटर जो है इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कम से कम ज्यादा से ज्यादा मरीजों जिनको जरूरत हो वेंटिलेटर की उनको उस पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अभी जो हम नोएडा की बात करें तो महज 900 मरीज ऐसे हैं जो एक्टिव मरीज हैं, 900 से भी कम एक्टिव मरीज हैं, जिसमें 2 से 4 लोगों की ही हालत सीरियस है। वेंटिलेटर जब सीरियस मरीज होता है उसी वक्त इस्तेमाल होता है, लिहाजा अभी जितने वेंटिलेटर यहाँ लगाए गए हैं वो
काफी है मरीजों की देखभाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जिम्स में भी कुछ वेंटिलेटर हैं। प्राइवेट अस्पताल जो अधिग्रहित किए गए थे, चाहे वो यथार्थ हो, कैलाश हो, शारदा हो, इनको जो अधिग्रहित किया गया था वहां पर भी वेंटिलेटर की सुविधा है। लेकिन ये कहना सही होगा कि हाँ, जो ये नोएडा सरकारी कोविड अस्पताल खुला है, यहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा सहायता मिलेगी जो गरीब तबका है, अपना इलाज ढंग से नहीं करा सकता, प्राइवेट अस्पताल जा नहीं सकता, और उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो प्राइवेट अस्पताल में। बिल्कुल दानेश्वर, देखिए यानी कि अब गरीबों का भी इलाज बेहतर तरीके से होगा इस हॉस्पिटल में, और वेंटिलेटर्स भी समय अनुसार बढ़ाए जा सकते हैं। दानिश, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अगर देखें तो 100 बताई जा रही है कि 100 स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर होंगे। कितनी नर्सेस, कितने डॉक्टर्स और कितना पूरा स्टाफ रहेगा कुल इन 100 की संख्याओं में? बिल्कुल, देखिए तकरीबन यहाँ पे 17 से 18 डॉक्टर अपॉइंट करे गए हैं जो शिफ्ट वाइज जो है मरीजों को दिखा गए, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट होते हैं उनको जो इलाज दिया जाता है वो हर 12 से 13 घंटे में एक बार डॉक्टर विजिट करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 17 डॉक्टर अपॉइंट करे गए हैं। तो स्वास्थ्यकर्मी जो नर्सेस होती हैं वो यहाँ पर अपॉइंट करे गए हैं। टोटल संख्या तकरीबन 100 है, तो ये माना जा सकता है कि ये संख्या इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करी गई है कि हाँ 12-12 घंटे के अंतराल में जब वो शिफ्ट चेंज होती है तो उस वक्त डॉक्टर भी आ सके, नर्स भी आ सके, और जो वार्ड बॉय है वो भी यहाँ पर आके मरीज को देख सके। क्योंकि पहले से ही हमारा जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे जो है जो लोग पहले से जा रहे थे उनका जो इलाज हो रहा था, क्योंकि इसके लिए बाकायदा अलग से है कि स्टाफ भी लखनऊ से बुलाया गया है। अभी केवल 100 लोग यहाँ पर आ पाए हैं, लेकिन संख्या इसको बढ़ाकर 400 करने की तैयारी है। पहले इसका एक इंटरव्यू भी कराया गया था जिसको बाद में डीएम ने निरस्त कर दिया था, उसमें कुछ जो है घोटालेबाजी हो रही थी, लिहाजा उस इंटरव्यू को जो यानी ये कह सकते हैं कि प्राइवेट जो है हायर करने की एक चीजें शुरू हो रही थी, लेकिन उसको डीएम ने निरस्त कर दिया। उसके बाद से लखनऊ से जो है हायर करके यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर बुलाए गए हैं और उनकी तैनाती यहाँ पर करी गई है। लक्ष्य 400 का है, अभी फिलहाल 100 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर 400 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों को मिलाकर यहाँ पर तैनात करना बनाया है जिला प्रशासन ने। जी दानिश, यहाँ पर जब सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल बन चुका है नोएडा का, तो जाहिर है यहाँ पर पेशेंट भी ज्यादा ही संख्या में होंगे, ऐसे में उन डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। इनको लेकर भी क्या अलग से कोई इंतजाम है, क्योंकि अगर शिफ्ट वाइज काम कर सकते हैं तो उनको अपने घरों में तो जाने की शायद अनुमति नहीं होगी, इनके लिए कैसी सुविधाएं? और पीपी किट सबसे बड़ा सवाल रहता है, उसको लेकर गुणवत्ता कैसे जांची गई अभी तक? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो डॉक्टरों को घर जो कोविड 19 के इलाज पेशेंट के इलाज में डॉक्टर लगे रहते हैं उनके लिए पहले से ही एक व्यवस्था जिला प्रशासन ने बना रखी है कि वो घर नहीं जाते हैं, वो या तो किसी होटल में उनको ठहराया जाता है या फिर किसी गेस्ट हाउस में। यहाँ पर जिला प्रशासन ने तकरीबन 7 ऐसे होटल, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, 7 ऐसे होटल अधिकृत कर रखे हैं जहाँ पर जब डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म करते हैं तो डॉक्टर वहां पर जाकर रहते हैं, अपने घर वो नहीं जाते। और अगर जब डॉक्टर का अपनी ड्यूटी पूरी हो जाती है, यानी ये कहें कि अगर महीने भर की उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, तो उसके बाद 14 दिन का जो क्वारंटाइन होता है वो भी होटल के अंदर ही उसका इंतजाम कराया गया कि 14 दिन का क्वारंटाइन होटल में पूरा करके फिर वो अपने परिवार में जा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो सुविधा थी वो पहले से ही जिला प्रशासन ने दे रखी थी, लेकिन अब संख्या बढ़ी है। जिस तरीके से बताया गया कि 100 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जो संख्या बढ़ी है उसके लिए और भी होटल अधिग्रहित करने पड़ेंगे, तभी जाकर जो डॉक्टर से उनकी भी सेफ्टी हो पाएगी। तो वही जो पीपी किट का मसला है, तो पीपी किट पहले से ही बता दिया गया है कि जो गवर्नमेंट अप्रूव होकर पीपी किट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट परचेजिंग जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से खत्म कर दी है, और ना ही नोएडा प्राधिकरण ने परचेजिंग कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन परचेजिंग कर रहा है, या सीएसआर के माध्यम से कोई पीपी किट या फिर अन्य चीजें जो कोविड 19 में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो सीएसआर के माध्यम से जिला प्रशासन को दी जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलता है जिस सामग्री का, वही सामग्री यहाँ पर लाई जा रही है और उसको दिया जा रहा है। जी जी दानिश, जब हर वर्ग का हर तबके का शख्स यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचेगा तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा प्रोसेस पता ही नहीं होता है हॉस्पिटल्स का, कैसे जाना कहाँ बात करी, तो इसके लिए भी कुछ विशेष इंतजाम? देखिए जो एससीएल का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, सबसे पहले वहाँ कॉल जाएगी, वहाँ पर जब कॉल जाएगी उसके बाद चिन्हित किया जाएगा कि हाँ जो कोरोना का पेशेंट है, क्योंकि जो आईसीएमआर ने बाकायदा जो है चिन्हित कर रखा है, जो गाइडलाइंस दे रखी है, जब वो शिकायतें आम लोगों में होंगी तभी वो
जो है भर्ती हो सकता है, ये कह सकते हैं कि हाँ आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस हैं कि जो लक्षण दिख रहे हैं कि हाँ किस तरीके के लक्षण हैं उसको कोरोना पॉजिटिव के, उसके बाद घर भी जा सकती है, जो एम्बुलेंस है वो डॉक्टर की टीम में वो घर जाएगी, उनको वो अपने एम्बुलेंस से अपने साथ लेकर यहाँ पर आएगी और यहाँ एडमिट कराएगी। पहले ही अभी जो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने जो है जिस लैब का उद्घाटन किया था वहां पे सारी जांचें होती हैं और वहां से एक डेटा बाकायदा जिला प्रशासन को मिल जाता है जिसका पॉजिटिव आता है, उसके बाद से जिला प्रशासन के जो डॉक्टर्स और अधिकारी होते हैं वो वहां पर पहुंचकर उस मरीज को अपने जो है अपने कवर्स में ले लेते हैं और उसको लेके एडमिट कराते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीजें करी जाएंगी कि जो लैब से जो जाके पॉजिटिव आएंगे, जो उनका डाटा होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उससे उसके घर पहुंचा जाएगा और उसके बाद उस मरीज को यहाँ पर लाकर एडमिट कराया जाएगा। जी दानिश, मरीजों को उनके घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए जो सुविधाएं होती है एम्बुलेंस की, उसकी व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? देखिए जिला प्रशासन के पास एम्बुलेंस भी है, बड़ी जो हाई इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस होती है वो भी हैं और भी इनके पास चीजें है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की आबादी है उसके लिहाज से एम्बुलेंस कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की यही रहती है कि जब किसी मरीज का पता चले, यानी मरीज आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ किसी इलाके में कोई मरीज कोरोना से पॉजिटिव है, उसकी जो रिपोर्ट आई हो पॉजिटिव आई हो, तो जल्द से जल्द वहां पर टीमों को भेजा जा सके। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ अगर हम दिनों में देखें तो ये जरूर आया है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको अटेंड करने वाली जो एम्बुलेंस है उनकी संख्या। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure, 100% placement record. Come, give wings.